पहले तो हम सुरेश वाडकर जी को इस साल भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है, उसके लिए बधाई देना चाहेंगे। और उसके बाद जो आज का फंक्शन है, हर साल इसी धूमधाम से होता है। आज हम श्रीमती एम राजम जी को ये अवार्ड दे रहे हैं, जो बहुत ही विशेष अवार्ड है, जो सच में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में काम करते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज परफॉर्मेंस भी है, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब भी यहाँ हैं, तो हम लोग बहुत खूबसूरत शाम गुजारने वाले हैं। जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ टाइम, इसका मज़ा लीजिए, बड़े बड़े कलाकारों के दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनका परफॉर्मेंस देखिए। सर, ये 20th एडिशन है आदिवासी का वसंत उत्सव का, तो इतने साल इतने अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते आए, आपके पार्ट हमेशा से रहे, तो क्या विशेष है? ये इसलिए होते आए हैं क्योंकि बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से ये संस्था काम कर रही है। सुरेश वाडकर जी जैसा मैंने गुरु भक्त दूसरा देखा नहीं है, इन्होंने अपना जीवन अपने गुरु के चरणों में अर्पित किया हुआ है। पंडित जियालाल वसंत जी, जिनसे हमारा बिल्कुल घर जैसा रिश्ता रहा, तो मैं शुरू से सुरेश जी की गुरु भक्ति देख रहा हूँ, तो इस तरह के उत्सव में कभी भी कमी नहीं आएगी, बढ़ता ही जाएगा और इससे बहुत लोग जुड़ते जाएंगे, मुझे विश्वास है इसका। थैंक यू। आई एम एक्सपेक्टिंग ए ग्रेट इवनिंग। I'm very happy that this is the 20th year of Vasantotsav and Aajeevasan completes 88 years. I'm very happy. I'm looking forward to a great evening. बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 20 साल हो रहे हैं इस अवार्ड को, और हमारी संस्था को 88 ईयर्स हो रहे हैं, 88 साल, और बहुत खुशी है कि आज हम लोग मिसेस एन राजम जी का सम्मान करेंगे, भाग्यकार अवार्ड देके। मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत जी के नाम से ये अवार्ड है, और हर साल ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग, और इससे यही होता है कि इतने बुज़ुर्ग आर्टिस्ट का एक सम्मान, उनकी पूजा, उनकी सेवा करने का मौका हमको मिलता है और उनका आशीर्वाद भी हमको मिलता है। जी बिल्कुल। जब जब भी ये हम लोगों ने किया है, बड़े प्यार से आके हमारे सारे बुज़ुर्ग आर्टिस्टों ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया है और साथ में उन्होंने परफॉर्म भी किया है। और हमारी आदिवासी संस्था जो है, इस मौके पे हम लोग एक स्वामी हरिदास अवार्ड, जो कि एक गुरु को, इस फील्ड के म्यूज़िक के गुरु को, और मास्टर मदन के नाम से दो अवार्ड्स हैं जो हम दो बच्चों को देते हैं, जो कि किसी भी कला में जो शिक्षण ले रहे हैं म्यूज़िक की। और ये अवार्ड सोनू निगम जी ने स्पॉन्सर किया अपनी मदर शोभा निगम जी के नाम से, तो ये सारे अवार्ड्स आज दिए जाएंगे और हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। क्या फ्यूजन होने वाला है आज का, सब जॉनर की चीज़ें मिक्स होकर परफॉर्म होने, उनके बारे में अगर आप एलाबरेट कर सकें क्या होने वाला है? वेंकटेश जी का परफॉर्मेंस है, एक्चुअली इट्स आज का जो है, इट्स नॉट सो मच फ्यूजन, बट लास्ट ईयर जो हमने जॉन मैक्लॉगलिन जी हैं, जो वर्ल्ड फेमस गिटारिस्ट हैं, उनको जब अवार्ड दिया था तो बड़ा फ्यूजन वाला माहौल था। आज जो है वेंकटेश जी क्लासिकल वोकल परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही नामी कलाकार हैं वो, पद्मश्री से सम्मानित हैं वो, एंड डॉक्टर एन राजम जी वायलिन बजाएंगे और साथ में उस्ताद जाकिर हुसैन जी उनका तबले का साथ देंगे उनको, तो ये रहेगा आज शाम का मेन जो फंक्शन। जाकिर हुसैन जी परफॉर्म कर रहे हैं साथ
हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जाकिर जी जो है भाई है, हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं और हमारी फैमिली के साथ बहुत गहरा रिश्ता है उनका, क्योंकि अब्बा जी खां साहब अल्लार खां खां साहब और मेरे गुरु जी पंडित जियालाल वसंत दोनों एक ही गांव से है, जम्मू से, तो एक अलग सा प्यार एक हमेशा मैंने बचपन से देखा हुआ है और बहुत वक्त पे हम लोग इकट्ठे बैठे उठे खाए पिए हैं, तो फैमिली रिलेशन है। और जाकिर भाई इतने दुनिया में फेमस आर्टिस्ट है मगर हमारे साथ एकदम भाईचारा है और हर साल उन्होंने हमारे इस फंक्शन में बजाने का हमको प्रॉमिस किया है, हमको आशीर्वाद के रूप में प्रॉमिस किया है, बल्कि उनसे पूछ के ही है जो डेट है इस फंक्शन का निश्चित होता है कि वो जिस दिन फ्री है हमारे लिए उस दिन हम ये अवार्ड फंक्शन रखते हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि उस्ताद जाकिर हुसैन जी हमारे लिए बजाते हैं। जैसे आपने कहा 88 इयर्स हो गए जी, इस चीज पूरे आदिवासी को जी, जर्नी कैसी रही इतनी लंबी जर्नी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और मैं मुझे ही इंडस्ट्री में मुझे ही गुरुजी के पास आए हुए मेरे ख्याल से 55 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैं 69 में आया था गुरुजी के पास, तब से मैं गुरु घर में रह के ही गाना बजाना सीखा और रियाज़ किया, तो बहुत बहुत बढ़िया यादें हैं गुरुजी के साथ। और गुरुजी ने ऑलमोस्ट सारा भारतवर्ष हमको दिखाया है और वहाँ हर जगह पर प्रोग्राम करते थे हम लोग और बड़ा मज़ा आता था। और गुरु शिष्य परंपरा है आजीवासन की जो गुरुजी के टाइम से चलता आ रहा है, तो सुरेश जी और दीदी उनको आगे उसको आगे चला रहे हैं और हम सब की भी कोशिश है साथ साथ में। बस आज का प्रोग्राम आप सबके आशीर्वाद से, मेरे सुनने वाले सब भाई बहनों की आशीर्वाद से सक्सेसफुल हो जाए और हम लोग आगे भी इसमें काम करते रहें। और आज इस अवार्ड का जो महत्व है वो हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वाग्यकार मतलब सारे गुण में निपुण, गायन वादन नृत्य साहित्य का चित्रकला, ऐसे ही कलाकार को हम लोग चुनते हैं, तो हमको इसके आगे भी ऐसे कलाकारों को सम्मानित करना है, तो आप सब लोग आशीर्वाद दें, यही प्रार्थना। आप सबका भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आप लोग हमारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए और उसको दूर दूर तक ले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। इस जी को मिलता हूँ तो मुझे मेरे मैं 30 साल पीछे चला जाता हूँ, जब मैं सुरेश जी के यहाँ सीखता था। खैर उसके बाद में मैं एक्टिंग में मसरूफ हो गया, लेकिन ये जो एक बहुत क्या कहे ये जो कमाल की जो एक स्कूल है संगीत की, यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं संगीत सीखने वो बिल्कुल सही जगह आते हैं। और आज गुरुजी के गुरुजी को याद करते हुए यहाँ पर एक संगीत संध्या का आयोजन किया है, तो मैं और चिन्मयी हम दोनों खुशकिस्मत है, भाग्यशाली है कि आज यहाँ पर वो दिग्गजों को सुनने का मौका मिला। उनका 20th ईयर है वैसे आज बसंत उत्सव का, 88 ईयर उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, क्या विशेष है? नहीं, एक्चुअली जैसे सुमित ने कहा वैसे ही होता है कि सुरेश जी को जब भी मिलते हैं तब हम लोग कितने छोटे हैं ये पता चलता है, क्योंकि उनका काम ही इतना बड़ा है। वो सिर्फ एक संस्था नहीं, एक संस्थान है अपने आप में। और ऐसी जगह पे आना और नतमस्तक होना ये हम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। और 20 साल तक कोई इस तरीके का कोई एक प्रोग्राम चलते रहता है ये बहुत बड़ी बात है। और ये साल तो बहुत स्पेशल है क्योंकि सुरेश जी को पद्मश्री से नवाजा गया है,
तो इसलिए इस समय यहाँ पे होना, सबके साथ होना, ये हम बहुत समझते कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ सोने पे सुहागा है जी, वो वाला क्षण। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्कूल है जहाँ बहुत बड़े बड़े कलाकार इस स्कूल से निकल चुके हैं। राहुल वैद्य है, विजय प्रकाश है और बहुत से और है, सुरेश भाई, सुरेश वाडकर जी और हमारी दीदी यहाँ पे सिखाती हैं। और हर साल यहाँ पे ये कार्यक्रम होता है कि जहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है, बड़े बड़े कलाकारों को दिया गया है, जाकिर भाई को दिया है, शिव जी हैं, जसराज जी हैं, किशोरी तिताई है, सबको दिया गया है। और आज भी आज एन राजम जी को ये अवार्ड मिलने वाला है, जो उत्तम वाग्यकर का जो अवार्ड है। और हर साल हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा घर ही है, ये एक मंदिर है हम लोगों के लिए। और बस मेरा नमन और प्रणाम सुरेश जी को और दीदी को और आजीवासन को, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये तो कमाल है कि 20 साल हो गए हैं इस अवार्ड को और ये 20th ईयर चल रहा है और ये चलता रहे। और इसी तरह से कलाकारों का सम्मान हो, उनको रिकग्नाइज किया जाए, जो ये संस्था आजीवासन हमेशा करती आ रही है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जो इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रेचुलेशंस और नमस्ते। और ये कार्य और चलता रहे, हर साल होता रहे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मतलब बिल्कुल ऐसे गुजर गए जैसे कल ही की बात है जब पहला वसंत उत्सव हुआ था। मैं हर साल यहाँ आता हूँ और हर साल मेरी हाज़िरी यहाँ लगती है। पंडित जी अलाल जी, वसंत जी, हमारे आचार्य जी, द फर्स्ट उत्तम वाग्यकार, हमारे भाई सुरेश वाडकर जी के गुरु और मेरे पिता के बहुत ही अजीज़ दोस्त। तो मेरा और सुरेश जी का जो दोस्ताना है वो बचपन से चल रहा है, तो इस वजह से मेरा यहाँ आना वैसे ही है जैसे मैं अपने खुद के घर में आया हूँ। और वसंत उत्सव का जो हर साल का जो कार्यक्रम होता है और ये जो अवार्ड दिया जाता है कलाकारों को हर तरीके के, ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए हमारे हिसाब से एक उच्च कोटि का अवार्ड है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और इसके लिए मतलब सारी दुनिया से लोग आते हैं। तो पिछले साल हमारे जॉन मैक्लॉगलन जैज़ गिटारिस्ट को दिया गया था, वर्ल्ड फेमस। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं और उनको अवार्ड दिया जाता है, शिव जी, हरी जी, जसराज जी, आशा जी, लता जी, आई मीन यू नेम इट, सब यहाँ आ चुके हैं। और कभी कभार एयरप्लेन भी आ जाते हैं अवार्ड लेने के लिए, लेकिन वो अलग बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 20 साल, 40 साल, 50 साल बड़े आसानी से गुजर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सर।